बैंक पार्ट टू के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा है, कंपनी का नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि एसेट क्वालिटी कैसे दिखाई दे रहा है, क्रेडिट कार्ड के अंदर ग्रोथ कैसा है, ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है। तो ये वीडियो देखने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पार्ट वन आप जरूर देखिए, तो वीडियो समझने के लिए आपको बहुत ईजी हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सबसे पहले कंपनी का जो कस्टमर बेस है उसको समझते हैं। मार्च 2021 में आरबीएल बैंक के पास जो कस्टमर था वो था 9.63 मिलियन, और ये बढ़ते बढ़ते हर क्वार्टर के अंदर आरबीएल बैंक का कस्टमर यहाँ पे ग्रो हुआ है, और सितंबर 2022 आते आते यहाँ पे जो ग्रोथ है वो 11.77 मिलियन कस्टमर का है। तो लास्ट क्वार्टर में कितना था, 11.30 मिलियन, और वहां पे बढ़ के लेटेस्ट क्वार्टर में आ गया है 11.77, यानी कि कंपनी के जो कस्टमर है वहां पे ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद ब्रांचेस की बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कंपनी का जो ब्रांचेस था वो लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में था 445, और यहाँ पे विद इन वन ईयर कंपनी ने यहाँ पे करीब करीब 62 नया ब्रांचेस ऐड कर चुका है। तो ये जो ग्रोथ है ये बहुत ही अच्छी तरह से किया है। तो आरबीएल बैंक का जो ब्रांचेस है वो 507 देखने को मिल रहा है सितंबर 2022 आते आते, और ये जो क्वार्टर टू क्वार्टर के अंदर भी 5 ब्रांचेस आरबीएल बैंक ने ऑलरेडी ऐड कर चुका है। ये जो नया ब्रांचेस कंपनी ने खोला है ये है जो एक्टिव होते होते यानी कि यहां से जो रेवेन्यू कमाते कमाते एक दो क्वार्टर लग ही जाते हैं। उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। तो जो मेट्रो है वहां पे सबसे ज्यादा यहाँ पर ब्रांचेस खोला है जो दिखाई दे रहा है 294, अर्बन के अंदर 72 है, सेमी अर्बन के अंदर 74 एंड रूरल के अंदर 67। तो हर एक सेगमेंट के अंदर यहाँ पे ब्रांचेस खोल रहा है। सबसे ज्यादा जो ग्रोथ है वो मेट्रो के अंदर दिखाई दे रहे हैं। एटीएम की बात करें तो यहाँ पे आरबीएल बैंक का 413 एटीएम दिखाई दे रहे हैं लेटेस्ट क्वार्टर के अनुसार। बैंकिंग आउटलेट यहाँ पे 289 है, और ब्रांचेस जो बीसी ब्रांचेस है छोटे छोटे ब्रांचेस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे वो है 1204। बिहार एक ऐसा जगह है जहां पे आरबीएल बैंक का कोई मेन ब्रांचेस नहीं है, यहाँ पे बीसी ब्रांचेस है यानी कि छोटा ब्रांचेस जहां पे कंपनी अपना सारा कार्य कामकाज यहाँ पे हैंडल करते हैं। अगर आप इसको ब्रांचेस को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नंबर वाइज लिखा गया है कहाँ पे कितना ब्रांचेस है, कहाँ पे कितना एटीएम है एंड कितना बीसी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अभी थोड़ा सा बैंक का एसेट क्वालिटी के ऊपर नजर डालते हैं। तो आरबीएल बैंक का जो ग्रॉस एनपीए रहा तो लेटेस्ट क्वार्टर के अनुसार आरबीएल बैंक का ग्रॉस एनपीए रहा 3.80% का, नेट एनपीए रहा 1.26% का। जो क्वार्टर टू क्वार्टर एनपीए के अंदर ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो नेट एनपीए है, लेकिन जो ग्रॉस एनपीए है वहां पे थोड़ा सा डीग्रोथ दिखाई दे रहा है जो अच्छी बात है। अगर आप अमाउंट के हिसाब से देखते हैं तो लास्ट क्वार्टर में कितना था, 2537 करोड़ का यहाँ पे ग्रॉस एनपीए था, और लेटेस्ट क्वार्टर में ये कम होके आ गया 2457 करोड़ के आसपास। नेट एनपीए की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ोतरी है, जहाँ पे 697 करोड़ का नेट एनपीए था जून क्वार्टर के अंदर, वो यहाँ पे बढ़ के 790 करोड़ में आ चुका है सितंबर 2022 तक। नया जो स्लिपेजेस वो भी देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ोतरी है, यानी कि जो ओवरऑल इन एनपीए का सिचुएशन है वो थोड़ा सा मिक्स मैन सिचुएशन अभी भी दिखाई दे रहा है। रिकवरीज की बात करें तो यहाँ पे उतना ज्यादा रिकवरीज नहीं हो रहा है, लेकिन जो नया एडिशनल एनपीएस है वो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस। तो ये हालत अभी भी सुधारा नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है इस पर्टिकुलर एनपीए को कंट्रोल करने के लिए। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। जो फोकस एरिया है जहाँ पे बैंक यहाँ पे बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है यानी कि ये कंपनी का क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड मार्केट की बात करते हैं तो 5.3% का मार्केट शेयर होल्ड करके बैठा है यहाँ पे आरबीएल बैंक। तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के अंदर ग्रोथ इस तेजी से हो रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बैंक ने 4.10 मिलियन कार्ड्स कंपनी ने ऑलरेडी बांट चुका है सितंबर 2022 तक। और यहाँ पे हर क्वार्टर आप कंपेयर करते हैं तो क्रेडिट कार्ड के अंदर किस तरह से ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप एक्विजिशन की बात करें तो नया जो एक्विजिशन है वो आपको 0.52 मिलियन देखने को मिल रहा है क्वार्टर टू 2023 के अंदर ही। अगर आप इसको मंथ वाइज ब्रेकअप करते हैं तो हर महीना आरबीएल बैंक यहाँ पे नया कस्टमर एड कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड के अंदर, जहां पे बैंक यहाँ पे अच्छा खासा एक परसेंटेज कमा पाते हैं, इसीलिए कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वहां पे रिफ्लेक्ट करता है ये क्रेडिट कार्ड का बिजनेस। इसीलिए बैंक यहाँ पे मेन फोकस में रख रहा है क्रेडिट कार्ड बिजनेस को। तो अभी हम लोग आरबीएल बैंक का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को नजर डालेंगे। तो ओवरऑल देखेंगे तो बैंक कैसा है, 2011 में आरबीएल बैंक जहाँ पे 1000 करोड़ का सेल जनरेट करता था
वो धीरे धीरे बढ़ के 12,000 करोड़ तक आ गया है विद इन यहाँ पे 10 to 11 ईयर्स। तो ये जो ग्रोथ है सेल के अंदर यानी कि रेवेन्यू के अंदर, ये यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से बैंक ने यहाँ पे ग्रो किया है। साथ ही साथ कंपनी के जो डिपॉजिट है जो 2000 करोड़ का हुआ करता था वो 80,000 करोड़ तक यहाँ पे पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। एडवांस केस के अंदर भी आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है, नेट प्रॉफिट के अंदर भी बहुत ही तेजी से यहाँ पे ग्रो किया है। तो अभी जो रिसेंट कंडीशन में आरबीएल के अंदर प्रॉब्लम है वो है कंपनी का सेल के अंदर कोई भी ग्रोथ विद इन 3 इयर्स आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे एक फ्लैटिश कंडीशन दिखाई दे रहे हैं। अगर आप डिपॉजिट की बात करें तो यहाँ पे ठीक ठाक ग्रोथ है, एडवांसेस में थोड़ा सा रुक गया है, कंपनी का रेवेन्यू भी रुक गया है, इसीलिए कंपनी का जो शेयर है उसके ऊपर प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है। और ये जो हुआ है वो कंपनी का एनपीए के कारण हुआ है, जहां पे ही आरबीएल बैंक के अंदर एनपीए यहाँ पे ट्रिगर आउट हुआ है उसके कारण कंपनी यहाँ पे लोन बांटना थोड़ा सा कम कर दिया है, और लोन बांटना कम कर दिया है तो कंपनी का रेवेन्यू के अंदर भी इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का लॉन्ग टर्म एनपीए देखेंगे तो पहले ये 1.12% हुआ करता था ग्रॉस एनपीए, अभी बढ़ के ये 3.80 तक आ गया है। नेट एनपीए की बात करें वहां पे भी यहाँ पे बढ़ोतरी है जो नेगेटिव पॉइंट माना जाता है आरबीएल बैंक के लिए। एम्प्लॉयज की बात करें तो जहां पे 1000 एम्प्लॉयज हुआ करता था 2011 में वो यहाँ पे 10 से 11 गुना हो चुका है। तो ये लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ है आरबीएल बैंक के लिए ये बहुत ही अच्छी है, पहले बैंक ने बहुत ही अच्छे काम किया है तो शायद आगे भी कर पाए, लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट चेंज हो चुका है तो नया जो सीईओ है ये बहुत ही बुलिश है, बहुत ही पॉजिटिव है आरबीएल बैंक को लेके। तो आगे चल के देखते हैं कि बैंक कैसे कर पाता है, लेकिन पिछले 5 महीनों में बैंक ने 90% तक रिटर्न जनरेट कर दिया है और ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर भी ऐसा ही ग्रोथ जारी रहे, क्योंकि जो बैंकिंग सेक्टर है इंडिया का वो बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। जो नेगेटिव होना था यानी कि एनपीए के अंदर जो प्रेशर दबाव होना था वो ऑलरेडी हो चुका है, नया एनपीए आने का कोई उतना संभावना नहीं दिखाई दे रहा आरबीएल बैंक के ऊपर। और मैनेजमेंट का भी ऐसा ही कहना है कि अमाउंट के अंदर कोई भी एनपीए के अंदर बढ़ोतरी आपको आगे आने वाले क्वार्टर के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। तो कुछ पॉजिटिव बात है, कुछ नेगेटिव बात है, लेकिन आप निवेश करने से पहले अच्छी तरह से रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही निवेश कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, सी यू नेक्स्ट वीडियो।